Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Hope you all are doing well. In this video, we are going to discuss about PMA long course journey. Okay, from a student to an officer. आप लोग बहुत ही जो है क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं, सर हमारी प्रमोशन किस तरह होती है, कब हम सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं, कब जनरल बनते हैं, कब ब्रिगेडियर बनते हैं. ओके, तो अप्लाई से लेके इनिशियल टेस्ट से लेके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यू, मुकम्मल चीज़ें, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, आप लोगों का इंटरव्यू, मुकम्मल चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ. सो वॉच टिल द एंड. सो इन दिस लेक्चर वी विल एक्सप्लेन योर होल प्रोसीजर, ओके, ऑफ योर जर्नी इन PMA लॉन्ग कोर्स विच is a regular commission in Pakistan Army. So who can apply, and then after your registration, your initial written test, your medical examination, your physical test, your interview, your SSB process, and your final merit list, and also your final medical examination, your joining letter, and your training at PMA, and your pass out. Gentlemen, first of all, who can apply? So these candidates, they can apply for this particular course. जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की है या इक्विवेलेंट जो भी ICS है, FA है, जो भी है, वो अप्लाई कर सकते हैं. उनकी एज रिक्वायरमेंट 17 से 22 साल होनी चाहिए और 3 मंथ अपर एंड लोअर रिलैक्सेशन को दी जाती है. और ग्रेजुएशन जो 4 साल प्रोग्राम करके अप्लाई करते हैं उन वो 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं. इनकी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है. इसके बाद जिन्होंने अपनी 2 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम की है या नेवी के सर्विंग पर्सनल है, वो अप्लाई कर सकते हैं 23 साल तक, ठीक है. या किसी ने बीए की है, बीबीए की है, बीपीए की है, वो सारे 2 ईयर ग्रेजुएशन में आते हैं. तो इनको भी 3 मंथ अपर एंड लोअर रिलैक्सेशन दी जाएगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोगों का जो आर्मी सर्विंग पर्सनल है वो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और इनको मार्क्स में भी एलिजिबिलिटी दी गई है, ठीक है. ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकते. फीमेल्स के लिए अलग LCC डेडिकेटेड कोर्स है और दूसरे कोर्सेज अवेलेबल है. इसमें हाइट आप लोगों के 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए. 162.4 सेंटीमीटर भी है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि ये इनके बॉर्डर लाइन्स होते हैं. उसके बाद कैंडिडेट्स हु सिक्योर लेस देन 55% मार्क्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. 55% मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ओके. ग्रेजुएट्स वो 60% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं. 50% मार्क्स उनके FSC या FA में होने चाहिए. सर्विंग आर्मी पर्सनल्स के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोर्स. उसके बाद कैंडिडेट्स जो है मेंटली फिजिकली जो है फिट होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें इनके रिक्वायरमेंट्स हैं. अभी इनकी रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के थ्रू होती है या आप नियर आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है. ये लिंक आप गूगल पे पेस्ट करेंगे और वहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उसके बाद इनिशियल रिटन कंप्यूटराइज्ड टेस्ट, ये आप लोगों का रिटन टेस्ट पहले जो है पेपर्स में होता था, अभी PMA लॉन्ग कोर्स 130 से आ गया, इससे भी पहले इन्होंने कंप्यूटर पर शिफ्ट की है. 200 MCQs होते हैं आपके रिटन टेस्ट के और 84 वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं और 64 नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. 50 आप लोगों का एकेडमिक्स क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स आपको हर पोर्शन के लिए दिया जाता है. टोटल 190 मिनट्स बनते हैं ये सारे मिला के. 90 मिनट्स का टेस्ट होता है, 200 मार्क्स का. और इसी तरह आपको कंप्यूटर्स पे बिठाया जाता है सेम इसी पोजिशन में, ठीक है. और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट ये क्या होता है, एन इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन लेटर्स एंड नंबर्स इज नोन एज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिन्हें आप जबान से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसे तरह से भी आप कह सकते हैं. एग्जाम्पल जो है 90% ऑफ 90 क्या होता है, ये आएगा आपका इंटेलिजेंस कितना क्विक काम करता है वो चीज़. या इफ थर्ड डे ऑफ द मंथ इज संडे एंड 13th day विल बी, वो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन. अली इज़ बिगर देन अहमद, अहमद इज़ बिगर देन अली, हु इज़ बिगेस्ट, जो है ये चीज़ें इनके तकरीबन 10 कुछ पैटर्न से, तो वो पैटर्न्स आपको पढ़ने होंगे. तो पेरेंट्स सेंड दियर स्कूल फॉर DHT के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे MCQs टाइप में, तो वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं. तो इनके कुछ 10 पैटर्न से अगर वो लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए तो आप हमसे WhatsApp नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस
you will undergo two non-verbal intelligence tests, an intelligence test based on shapes and patterns. Okay, इसमें shapes होते हैं, patterns होते हैं. देखिए examples यहाँ पे आपको दी गई है. ये आपको एक question दिया गया है. ये इसके लिए है. Okay, sorry, ये इस तरह नहीं है. ये जो shape है, ये इस के लिए है. और ये शेप किस चीज़ के लिए, इसके लिए कौन सा शेप आएगा, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास इन ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, इसके लिए ये शेप आ गया. ये इसे इन्होंने यहाँ पे लाके सिर्फ शेडिट कर दिए. अब इस चीज़ को आप जो है कहीं लाके आप सिर्फ उसे शेडिट करेंगे इस पार्ट को, तो ए आप लोगों का आंसर है. ठीक है, इसी तरह आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं. उसके बाद आप लोगों का एकेडमिक्स टेस्ट, उसका सिलेबस ये है. जनरल नॉलेज में एमसीक्यूज आएंगे, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़ में आएंगे, इस्लामियात में आएंगे, ज्योग्राफी का भी ऑप्शन वो तो इनमें इंक्लूड होता है, इंग्लिश, मैथ्स, एवरीडे साइंस और सम करंट अफेयर्स. इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जनरल देखें आपसे 12th क्लास के लेवल पर एक्सपेक्ट किया जाएगा. ठीक है, इससे आगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा 90% बच्चे 12th क्लास वाले अप्लाई करते हैं या फर्स्ट ईयर होप सर्टिफिकेट के साथ. तो अब इस्लामियात में बीएस होता है, मुकम्मल पीएचडी होता है, जनरल नॉलेज में भी, पाकिस्तान स्टडीज़ में भी, तो उस लेवल पे आपको नहीं किया जाए. तो आपको एक प्रॉपर सिलेबस पढ़ना चाहिए बेसिक लेवल पे. तो वो नोट्स आपको मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करते मैं आप लोगों का मुकम्मल सिलेबस भेज दूँगा सारे चैप्टर्स के साथ. मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी हाइट चेक की जाती है, वेट, चेस्ट, आई और नॉक नीज, फ्लैट फीट और सम प्राइवेट पार्ट्स माइट और माइट नॉट बी चेक, इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पेक्टिव आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर मेडिकल ऑफिसर. ओके, तो आपके मुकम्मल बॉडी की ओवरऑल चेक की जाती है. और आई में विद ग्लासेस भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं. उनके एट्रीब्यूट 6/9 और 6/12 कुछ थे, वो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग होता है, 8 मिनट में आपको निगोशिएट करना होता है, जिसके 3 नंबर है. ठीक है, पुलअप्स 3 रिपीटेशन आपको करने होते हैं. उसके बाद पुशअप्स 15 और क्रंचिस 20, 2-2 मिनट में इनके 2-2 मार्क्स है. ठीक है, और डिच क्रॉसिंग आप लोगों का होता है 7.4 फीट का, 1 नंबर इसका होता है. उसके बाद आप आते हैं इंटरव्यू की तरफ. इंटरव्यू आपके 3 जो है पैनलिस्ट बैठे होते हैं. ठीक है, और 3 लोग आप लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट, एक आप लोगों का लेफ्टिनेंट कर्नल SRO और उसके बाद जो है एक और मेजर इनके साथ बैठा होता है. बेसिकली इन दिस इंटरव्यू दे आर सेलेक्टिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट्स हु कैन अंडरगो थ्रू 5-day प्रोसेस इन इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. ओके, सो मेनली इन दिस इंटरव्यू दे आर लुकिंग फॉर योर एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू, adequate knowledge about current affairs, adequate knowledge about geo and park studies, overall outlook and extracurricular activities. ये official guidelines है. Expression क्या है, एक leader की पहचान होती है, उसमें power of expression होता है. जैसे अगर वो बोलता है तो speaking confidently, precisely, to the point with good body language, ये उसकी पहचान होती है. जब वो लिखता है तो चीज़ों को मुकम्मल छोटा करके आप लोगों को लिख देता है. 12 मार्क्स आपको लेने होते हैं फॉर योर रिकमेंडेशन, टोटल 20 मार्क्स होते हैं. और आपको 2 ऐसे भी लिखने होते हैं 10 लाइनों का. ठीक है, एक उर्दू में, एक इंग्लिश में. बेसिकली इसमें भी आपके एक्सप्रेशन चेक की जाती है. एक बहुत बड़े टॉपिक को क्या आप 10 लाइनों में क्लियर कट दूसरों तक आसानी से फ्रेंकली एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं, अपने थाट्स जो भी आपकी चीज़ें हैं. उसके बाद कॉन्फिडेंस, आपके अपने एबिलिटीज़ में कितना बिलीफ है, कितना फैथ है, वो एटीट्यूड आप में है या नहीं. ओके, इट इज़ बेसिकली द एटीट्यूड ऑन योर एबिलिटीज एंड स्किल्स. उसके बाद आपके एडिक्यूट नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स, जो करंट हैपनिंग्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं, दुनिया में हो रहे हैं, वो हाईलाइटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद जियो के बारे में, वर्ल्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज मेनली आप कह सकते हैं, इसमें जियोग्राफी भी आता है, मैप भी आता है, मुकम्मल चीज़ें, तो वो आपको आनी चाहिए. पाकिस्तान स्टडीज़ में हिस्ट्री जो है प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन, वो आप लोगों का एकेडमिक टेस्ट में भी इंक्लूड है और यहाँ भी पूछे जाते हैं. उसके बाद ओवरऑल आउटलुक, ठीक है, आपकी अपीयरेंस एंड बियरिंग, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी हेयर कट,
आपकी जो है मुकम्मल चीज़ें यहाँ पे आती हैं आपके ओवरऑल आउटलुक में, ठीक है। डू यू हैव यू नो एन ऑफिसर लाइक अपियरेंस एडमियरिंग और नॉट। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग योर स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और ये CCTV के थ्रू रिकॉर्ड भी होता है। उसके बाद ISSB आता है। ISSB के लिए आपको फॉर्म दिए जाते हैं, वो फॉर्म आप फिल करके जो है नियर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सेंटर जहाँ पे आपने इंटरव्यू, फिजिकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट दी है वहाँ जमा करते हैं और आपको SSB के लिए 40 से 3 महीने के अंदर आपको बुलाया जाएगा, 3 या 2 महीने, ठीक है। तो यू नो इट डिपेंड्स ऑन योर जियोग्राफिक जोन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस योर रिस्पेक्टिव सेलेक्शन सेंटर के कब वो SSB फॉर्म SSB को भेज देते हैं। इसमें जो है आपका तकरीबन 5 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन जब आप जाते हैं फॉर्म फिलिंग होता है, उसके बाद दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, तीसरे दिन आपके GTO के फर्स्ट डे और चौथे दिन आपके GTO के सेकंड डे कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप लोगों का डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू भी होता है। तो इसमें इन्होंने अभी कुछ चेंजेस कर दी है, डिप्टी का प्रेसिडेंट का इंटरव्यू आपका GTO के फर्स्ट डे में ही हो सकता है ग्रुप डिस्कशन के साथ। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट अनफोल्ड यूअर पर्सनैलिटी ट्रैट्स थ्रू यूअर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड सेट, ठीक है। इसमें आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरीज, पॉइंटर स्टोरीज, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, OPI एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन टेस्ट से जो है आपकी माइंड सेट की चेकअप की जाती है कि डू यू पोजेस दोज 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन योर माइंड सेट और नॉट, ओके। उसके बाद आपके GTO's टास्क, बेसिकली SSB का भी थोड़ा मैं बता दूं, ये आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। SSB में आपके 14 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ चेक किए जाते हैं, प्रोफाइल क्वालिटीज़ भी आप कह सकते हैं, जो अगर आपके पर्सनैलिटी में है देन यू विल गेट रिकमेंडेशन। उसके बाद GTO विल असेस योर पर्सनैलिटी थ्रू योर कॉन्शियस माइंड सेट, थ्रू योर प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, थ्रू यूर फिज़िकल एट्रीब्यूट्स, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें आपकी जो है इनडोर टास्क होते हैं। इनडोर टास्क में आपकी पहली होती है पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें 2 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, एक आपको चूज़ करना है और उसके ऊपर आप 2 से 3 से 5 मिनट आप बोल लेंगे, ठीक है, अपने ग्रुपमेट्स के सामने। उसके बाद आप लोगों का होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे मिलिट्री प्लानिंग भी कहते हैं, और जो है एक LED स्क्रीन पर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिया जाएगा और उसको आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ग्रुप डिस्कशंस, अभी ये डिप्टी के पास चले गए हैं, ये अभी नहीं होता, GTO नहीं लेता। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग के मैंने बता दिया। आउटडोर टास्क में आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क अभी नहीं होता, अभी हाफ ग्रुप रेस होता है और उसके लास्ट में हाफ ग्रुप रेस का एक छोटा वो होता है। उसके बाद आपके कमांड टास्क होती है, आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ठीक है, और इंटरव्यू भी GTO आप लोगों का ले लेता है। उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू बेसिकली इसे पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं, आपके जो है पर्सनैलिटी को वो इसी तरह डिस्कवर करेगा, आपसे पूछे आपके दोस्त कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपका गाँव कैसे, आपके रहन सहन, आपके मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कशन करके आपकी पर्सनैलिटी वो अनफोल्ड करेगा। उसके बाद आप जब SSB से रिकमेंड होते हैं तो 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर भी आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बाद में जो है आप लोगों को इस तरह रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा अलॉन्ग विद योर मेडिकल, फाइनल मेडिकल टेस्ट स्लिप, और जो है आप फाइनल मेडिकल CMH में अपनी करवाते हैं, सारे स्पेशलिस्ट आपको एक डिटेल्ड वे में चेक करते हैं, ठीक है। और इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो इस YouTube पर अपलोड की है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में। फाइनल मेरिट इस GHQ बना देता है, ठीक है, आपके इनिशियल मार्क्स, आपके फिजिकल के टेस्ट के मार्क्स, आपके इंटरव्यू के मार्क्स, आपके ISSB के मार्क्स की परसेंटेज, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी ISSB जो है फाइनल मेरिट इस GHQ बना देता है, और उसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है, और आपके मैट्रिक मार्क्स और इंटर मार्क्स भी थोड़ी बहुत जो है मैटर करते हैं। उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है, PMA की, जिसमें आपके इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं, इसी तरह आप लोगों का जॉइनिंग लेटर होता है। उसके बाद आप PMA चले जाते हैं, PMA जाने के बाद 4 टर्म्स का आप लोगों का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, और 6-6 महीनों का 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद आप जो है एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट 17th ग्रेड ऑफिसर आप पास आउट होते हैं,
और कुछ हफ्तों में जो है आपको जो है कुछ मंथ्स में आपसे लेफ्टिनेंट बनते हैं, और उसके बाद साल बाद या उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन योर कॉर्प्स, ठीक है, आप किस रेजिमेंट में है, किस यूनिट में है, तो वो चीज़ें करने के बाद आप कैप्टन बनते हैं, और उसके बाद डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, वो वेरियस कोर्सेज आप करने के बाद मेजर बनते हैं 5-6 साल के अंदर। उसके बाद जो है आप लोगों की लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोशन होती है, स्टाफ कॉलेज कोयटा का वो कोर्स होता है, उसे पास करना होता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो है कुछ लोग डायरेक्ट भी ब्रिगेडियर प्रमोट होते हैं, ठीक है, वार कोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स और डिफरेंट वेरियस कोर्सेस, ठीक है। और आपकी प्रमोशन जो है वो आपके रिपोर्ट, ACR रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक होती है, जो जिस यूनिट के अफसर के साथ आप रहे हैं उसका हेड जो है आपको लिख के देता है, ये बंदा एक्सीलेंट है, गुड है, ठीक है, इस तरह रिमार्क्स होते हैं इनके, तो उसी बेसिस पे। तो इसी तरह आप लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर जो हमारे हैं, उसके बाद आप जनरल बनते हैं। जनरल सिर्फ दो आए, ठीक है, एक चीफ ऑफ जॉइंट आर्मी स्टाफ और दूसरा हमारा आर्मी चीफ, ये दो होते हैं, ठीक है, तो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी और ये आर्मी चीफ। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर यूर इनिशियल एनालिसिस भी, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।